या आपको आपकी बैटरी एक्सटेंड करनी है, आप ट्रैवल बहुत करते हैं, तो आप इस ऐप का यूज कर सकते हैं। ये आज हम लोग बात करेंगे फ्री मैक सॉफ्टवेयर्स के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स बताऊंगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। फ्री मतलब फ्री है, ऐसा उसमें टेंशन नहीं है कि बाद में वो प्रो लेना पड़ेगा, फ्री में लिमिटेड देंगे। फ्री मतलब फ्री है, टोटली फ्री है। जो भी मैं फीचर्स बताऊंगा वो आप लोग फ्री में इसे यूज़ कर पाएंगे। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 5 सॉफ्टवेयर्स बताऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर एडियो हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं। तो हमारे पास सबसे पहला सॉफ्टवेयर है वो है माउंटी। माउंटी एक NTFS रीडर है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि आप लोग NTFS की जो पेनड्राइव होती है, जो विंडोज़ में जो चलती है, अगर आप लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हो उसमें जो पेनड्राइव लगाते हो आप लोग, वो NTFS फॉर्मेट में यूजुअली फॉर्मेटेड होती है, तो वो NTFS फॉर्मेट को रीड नहीं करता है आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके लिए आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है जिसका नाम है माउंटी। माउंटी के थ्रू आप लोग इसे रीड कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को डेमो देख के दिखाता हूँ। ये मेरी पेनड्राइव है, मैं पेनड्राइव को कनेक्ट करता हूँ। नाउ मैं इस पेनड्राइव को रीड कर सकता हूँ अपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन मैं उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मेरी पेनड्राइव आ गई है, मैं इस पेनड्राइव को खोलता हूँ। सो यहाँ पे इसके कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, तो मैं सॉफ्टवेयर रीड वगैरह कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं राइट नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ, मैं यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता हूँ, मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मेरे को एक NTFS रीडर की ज़रूरत होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माउंटी इंस्टॉल करके रखा है। अभी मैं इसको यहाँ पे माउंटी में खोलता हूँ, तो अब मैं यहाँ से इसको रीड राइट सब कर सकूँगा। जैसे मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ, डेमो फोल्डर। सो बेसिकली आप लोग अपने NTFS स्टोरेज को ऑपरेट कर पाओगे, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को भी, उसको भी आप लोग यहाँ से ऑपरेट कर पाओगे। नेक्स्ट इज लुलू। लुलू इज़ अ फायरवॉल। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि यार हर सिस्टम में एक फायरवॉल होनी चाहिए। फायरवॉल मींस कि आप लोगों का कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसको इंटरनेट एक्सेस की ज़रूरत है, तो ये फायरवॉल उसको प्रिवेंट करेगी कि उसको एक्सेस नहीं मिले या मिले डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन यू टेक। मतलब मान लो मैंने क्रोम खोला, तो क्रोम खोलने से पहले मुझे ये कहेगा कि क्रोम google.com से कनेक्ट होना चाहता है, क्या क्रोम को इंटरनेट की परमिशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये फायरवॉल है, लुलू इज़ अ फ्री फायरवॉल सॉफ्टवेयर। इट्स 100% फ्री, ओपन सोर्स है। आप लोग इस सॉफ्टवेयर को डेफिनेटली ट्राई करें, मैंने भी इसे इंस्टॉल करके रखा है। इसके बाद आता है हमारा स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल से आप लोग विंडोज़ को रिसाइज कर सकते हो। नाउ स्पेक्टिकल ऐप आप लोगों ने भी शायद से इसके बारे में काफ़ी सुना होगा, लेकिन एट प्रेजेंट इट इज़ नो लॉन्गर बींग एक्टिवली मेंटेन। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ऑल्टरनेटिव दूंगा, वो है रेक्टेंगल ऐप। रेक्टेंगल को मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। सो इससे बेसिकली क्या होता है, इससे आप लोग बेसिकली विंडोज़ को एडजस्ट कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फाइंडर विंडो अपने यहाँ पे खोल दी है, और मैं इसको यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, टॉप राइट कॉर्नर पे, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, फिर नीचे ऊपर, हर जगह मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ स्क्रीन को शॉर्टकट से। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये विंडोज़ में काफ़ी अच्छी होती थी, लेकिन मैक में अच्छी नहीं होती है। लेकिन इसके लिए हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं कि ये मैक में भी अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे ये, इसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं। यहाँ से आप लोग ऊपर के मेन्यू आइकन से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे शॉर्टकट पसंद है, तो मैं इसे शॉर्टकट से कंट्रोल करता हूँ। आप लोग प्रेफरेंस में जा करके इसके जो भी शॉर्टकट्स हैं उसे आप लोग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉपी क्लिप। ये भी एक फ्री सॉफ्टवेयर है। तो इसमें ऐसा रहता है कि अगर आप लोग मल्टीपल चीज़ कॉपी करते हैं तो वो यहाँ पर ऊपर शो सेव हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये 3 चीज़ कॉपी करनी है और इंटरनेट पे किसी वेबसाइट पे डालनी है, तो पहले मैं यूज़र नेम को कॉपी कर लूँगा, फिर डेट ऑफ बर्थ को कॉपी कर लूँगा, फिर पासवर्ड को कॉपी कर लूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा, मान लो मैं वेबसाइट में आ गया यहाँ नीचे। अब मैं यहाँ पे नीचे जा करके यहाँ पे क्लिप इट पे जाऊँगा, यहाँ से यूज़र नेम को ऐसे क्लिक करूँगा, यूज़र नेम मेरा कॉपी हो गया, डेट ऑफ बर्थ के फील्ड पर जाऊँगा, फिर यहाँ से DOB पे क्लिक करूँगा, मेरा डेट ऑफ बर्थ कॉपी हो गया, फिर उसके बाद मेरे को पासवर्ड डालना है, मैं पासवर्ड को क्लिक करूँगा, मेरा पासवर्ड कॉपी हो गया। तो जो भी मैं यहाँ पे कॉपी करते जाऊँगा वो सेव होता जाएगा। ऐसे अप्रॉक्स 10-15 आइटम्स की ये लिस्ट बना लेता है यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पे उस चीज़ को मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आप लोग उसको पेस्ट कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर लगा है। लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट ऐप, वो है डोज़र। डोज़र क्या करता है, आपके जो मैक के यहाँ पे आइकन्स रहते हैं, काफ़ी सारे आइकन्स हो जाते हैं अगर आप लोग काफ़ी सारे ऐप्स का यूज़ करते हैं, तो इसको ऐसे हाइड कर देता है। तो ये भी फ्री सॉफ्टवेयर है, अच्छा है। इसके बदले एक वेनिला भी आता है, लेकिन वेनिला में प्रो वर्जन भी रहता है, तो इसलिए मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया। डोज़र एक अच्छा, मुझे इसका ऑल्टरनेटिव लगा, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा फीचर्स है वेनिला के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएगी।
जैसे अगर बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जैसे मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पर है, यहाँ पे मेरा लुलू वाला है फायरवॉल के लिए, यहाँ पे जो मैं एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ उसका सॉफ्टवेयर है, कैमरा कनेक्ट के लिए है, दिस इज़ अगेन रेक्टेंगल ऐप, ये टाइम मशीन के लिए, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं इसको ऐसे हाइड करके रखता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे कमांड की का यूज़ करके आइकन्स को इधर भेज सकता हूँ या इधर ला सकता हूँ, जो भी इधर रखूँगा वो हाइड हो जाएंगे, जो भी इधर रहेंगे वो अनहाइडेड रहेंगे। तो आप लोग भी इस तरह डोजर ऐप का यूज़ करके अपने मेन्यू आइकन्स को हाइड कर सकते हैं, इट विल गिव अ क्लीन लुक। सो दैट वॉज माई टॉप 5 पिक्स फॉर द फ्री ऐप ऑन मैक। लेकिन मैं आप लोगों को एक ऑनरेबल मेंशन भी दे देता हूँ, वो है एंड्यूरेंस ऐप। अगर आपके मैक की बैटरी में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपकी बैटरी ज़्यादा यूज़ हो रही है, ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो रही है, या आपको आपकी बैटरी एक्सटेंड करनी है, आप ट्रैवल बहुत करते हैं, तो आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। ये डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके बैटरी को एक्सटेंड करने के लिए। सो दैट वॉज माई टॉप 5 पिक्स। माई फेवरेट सॉफ्टवेयर वॉज माउंटी। आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों का फेवरेट कौन सा है, या फिर आप लोग कौन सा एट प्रेजेंट कौन से फ्री सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो पाए। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।